दोस्तों वैसे तो दिसंबर 2018 के अंदर काफ़ी सारे स्मार्टफोन निकल के आएंगे, कोई छोटे, कोई कीपैड के, कोई फीचर फोन, कोई ये फोन, कोई सस्ते फोन, कोई माइक्रोमैक्स के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेटर और बढ़िया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि मतलब ले सकते हैं हम और काफ़ी बढ़िया से उनके साथ जो है हम अपना मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कुछ स्मार्टफोन जो है 2019 में भी लॉन्च होने वाले हैं, उन्हीं सबके बारे में इस वीडियो में जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला स्मार्टफोन मैंने जो चुना वो है हुआवे का नोवा 4 होले नाम से भी इसे पुकारा जा रहा है। इसकी प्राइस है 29,999 रुपए लगभग, इतनी यहाँ पर हो सकती है। 6.4 इंच की जो इसके अंदर डिस्प्ले है तो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है ये वाला स्मार्टफोन। ऑक्टा कोर के साथ जो इसमें सीपीयू दिया गया है, सीपीयू थोड़ा सा कंफर्म तो नहीं है लेकिन बढ़िया सा सीपीयू आपको मिल जाएगा इसके अंदर। हो सकता है हाई सिलिकॉन क्रीन 710 का सपोर्ट मिले या फिर कुछ और जो भी है, और मान ली G76 MP10 जीपीयू आपको इसमें मिल जाएगा। एक बढ़िया सा जो है ऑप्शन इसके साथ यहाँ मिल जाता है। 6 GB की इसके अंदर रैम है और वहीं पर 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगी। 4000 mAh की बैटरी तो लगता है काफ़ी कमाल का एक बेटर और वंडरफुल स्मार्टफोन आपको मिलता है Huawei की तरफ से। आगे बात करते हैं इसमें कैमरा डिपार्टमेंट की, तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा यहाँ पर मिल रहा है। तो 16+24+ 5 MP का ट्रिपल रियर कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा और लगभग 30 W की इसके अंदर चार्जिंग भी बताई गई है। तो काफ़ी बढ़िया सा जो एक सेटअप मिलता है आपको इस फोन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पुराने चहेते नोकिया की, तो नोकिया का जो 8.1 है उसका भी काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हो जाए लॉन्च तो हम ले लें। तो इसके अंदर जो आपको 6.18 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, फुल HD यहाँ पर डिस्प्ले है, 4 GB इसमें रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये निकल के आएगा और लगभग जो है 3500 mAh की इसमें बैटरी। और इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 23,999 रुपये एक्सेप्ट की जा रही है, इतनी प्राइस जो है इसकी हो सकती है। नेक्स्ट स्मार्टफोन हमने यहाँ पर लिया है 2018 दिसंबर के लिए, तो आसूस ZenFone Max Pro M2 ये भी जो है निकल के आ रहा है। इसकी प्राइस जो है काफ़ी बजट में है, सिर्फ आपको 18,000 रुपये यहाँ पर देने होंगे M2 के लिए। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। इसमें अच्छी बात यह है कि कॉर्निंग जो Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन है वो पहली बार शायद आसूस के किसी फोन में देखने को मिलेगा, तो वो M2 के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 660 का यहाँ पर एक मिड रेंज CPU तो दिया गया है, फिर भी जो है बढ़िया CPU यहाँ पर है। 6 इंच की इसमें जो है डिस्प्ले मिलती है, 6 GB यहाँ पर रैम है और 8 GB रैम वेरियंट भी आपको इसमें मिल जाएगा। 11 दिसंबर को जो है इसकी लॉन्चिंग है। काफ़ी बढ़िया सा जो स्मार्टफोन है, प्राइस भी ठीक है 18,000 रुपये में, एक बढ़िया ऑप्शन आपको स्मार्टफोन में मिल रहा है साल के चलते चलते ही। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोटोरोला का है, जो कि है मोटो G7 Plus Play, ये वो काफ़ी सारे निकल के आ रहे हैं। तो लगभग 22,000 रुपये इसकी प्राइस यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है। 6 इंच की इसके अंदर भी डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन 660 वही मिड रेंज CPU आपको इसमें मिल जाता है, 4 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों इसमें 3500 mAh की बैटरी है और 16+5 MP का रियर कैमरा दिया गया, काफ़ी बढ़िया है, और 12 MP आपको फ्रंट सेल्फी शूटर इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर गोर्जिस काम यहाँ पर हो गया मोटोरोला के साथ, लेकिन प्राइस लगभग 4,000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा, लगभग 18,000 रुपये के आसपास ये वाला स्मार्टफोन निकल के आता तो काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर होता। इसका प्ले नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर गेमिंग वगैरह ठीक ठाक खेल पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर Lenovo K5X, इसकी प्राइस काफ़ी बजट में है, 10,000 या फिर 11,000 रुपये के आसपास ये निकल के आएगा। 6.0 की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलती है इसमें, ये अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन 636 का इसमें आपको सपोर्ट मिलता है और 6 GB के साथ आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज का आपको लुत्फ उठा सकते हैं इसके अंदर, और 3500 mAh की बैटरी के साथ रियर में जो है 12+5 MP आपको कैमरा मिल जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और नेक्स्ट है यहाँ पर जिसके काफ़ी सारे चर्चे चल रहे हैं, यहाँ पर OnePlus 60 तो लॉन्च हो गया है लेकिन यहाँ पर एक मैकलन एडिशन के अंदर भी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है Formula 1 वाला एक की आपको OnePlus 60 मिलने वाला है। बस इसमें चेंजेस यही होगा, इसके अंदर जो चेंज होगा वो मैकलन एडिशन का होगा, बाकी सब यहाँ पर सेम मिलने वाला है और इसकी प्राइस इसी के चक्कर में जो है बढ़ जाएगी। तो मैकलन के साथ जो है F1 जो है इसके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर लिया OnePlus ने और इसके साथ जो है स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर सैमसंग का 8S, इसकी प्राइस होगी लगभग 34,990 रुपए, ये भी निकल के आ रहा है 2018 में। 6.3 इंच की यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 710 का इसमें भी सपोर्ट है, 3400 mAh की बैटरी के साथ, 24+10+5 MP का इसमें आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा रियर में, और 6 GB और 128 GB का स्टोरेज, 6 GB रैम के साथ काफी कमाल का स्मार्टफोन है ये भी, आपको जो है
काफी मजे देने वाला है। तो देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट जरूर करें आप, मतलब कौन से स्मार्टफोन का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इनके अंदर से या फिर कोई और स्मार्टफोन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर करें, उसी से पता चलेगा कि आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।